The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. वेलकम बैक, हमारे चैनल में आपका स्वागत है. आप ही का चैनल है हेल्थ एजुकेशन, इसमें हम देते हैं और ये है प्रोफेशनल टिप्स. आपको हमने प्रोफेशनल टिप्स में लिवर, किडनी और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रोफेशनल टिप्स. अभी लास्ट लिवर किडनी के बारे में आपने जाना कि प्रोफेशनल टिप्स में लिवर किडनी को कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे डैमेज कर रहे हैं अननोइंगली नोइंगली. सो आज ऑन डिमांड हम बात करने वाले हैं हार्ट की. ऑल्दो हार्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं बोलने वाली, लेकिन एक वीडियो में जो मेन बातें हम आपको आज बताना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता होती और पता होते हुए भी आप रियलाइज नहीं करते, लेकिन आप अपना हार्ट जो है धीरे धीरे हल्के हल्के स्लोली डैमेज कर रहे हैं, हो रहा है. सो हार्ट का डैमेज क्यों होता है और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी, ये शुरू करते हैं. ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज हार्ट के अंदर जो है वो है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर आज के डेट में और पहले से भी सबसे बड़ी बीमारी है जो हार्ट डैमेज करती है. अब ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उनको कुछ सिम्टम होंगे, कोई दिक्कत होगी, महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. ब्लड प्रेशर हाई रहने के बावजूद हो सकता है आपको कभी कोई दिक्कत ना हो. ब्लड प्रेशर हाई होने का कोई सिम्टम नहीं होता. सिम्टम तब होता है जब ब्लड प्रेशर हाई होता रहा हाई रहते हुए किसी ऑर्गन में जाके डैमेज होना शुरू हो गया. तो ऑर्गन डैमेज की वजह से उस ऑर्गन में सिम्टम होते हैं, वैसे सिम्टम नहीं होते. हाई ब्लड प्रेशर एक समुन्दर की सतह के जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है और आपके मन के अंदर या आपके फिजिकल या मेंटल कंडीशन के तरह समुंदर में जैसे लहरें आती हैं वैसे आपका ब्लड प्रेशर भी उछलता रहता है, हाई होता है. आप एंग्जाइटी, एंग्शियस, घबरा गए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और ऊपर रह के फिर कभी थोड़ी देर में नीचे आ जाता है, जैसे समुंदर की लहरें होती हैं. सो जरूरी नहीं है कि आपने ब्लड प्रेशर गिना और ज्यादा आया तो आपका ब्लड प्रेशर हाई ही है, उसका मतलब यह नहीं है. ब्लड प्रेशर की बीमारी का मतलब यह है किसी का ब्लड प्रेशर हाई से नीचे आ ही नहीं रहा बिना दवा के, वो होती है ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा देर तक. सो इसीलिए हम समुंदर की तह तक जाना चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे में लगातार या ज्यादातर कितना रहता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. सो ब्लड प्रेशर जब ज्यादातर 24 घंटे में बढ़ा हुआ रहता है तो हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, सब में डैमेज होता है, आंखों में, सब में डैमेज होता है. सो ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट की ऐसी तैसी करने वाला. सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपका डायबिटीज, शुगर. शुगर की बीमारी भी लोग सोचते हैं कि हम शुगर नहीं खाएंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम दवा बंद कर देंगे, हम आयुर्वेदिक खा लेंगे, हम होम्योपैथी खा लेंगे, हम 6 महीना देख लेंगे. ये जो 6 महीने हैं आपकी ब्लड में इतनी शुगर घूम रही है जो कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट्स सबको प्रमोट करेंगे, हार्ट के अंदर क्लॉट प्रमोट करेंगे और हार्ट में ब्लॉकेजेस होंगे. सो कोलेस्ट्रॉल तीसरी चौथी बार में आता है. कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बेकार चीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल करना चाहिए, वो एक प्रिकॉशन हो गया, लेकिन शुगर सबसे बड़ी बीमारी है जिससे हार्ट की बीमारी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड है. अगर 10-12 साल में शुगर हो चुकी है, 10-12 साल हो चुके हैं शुगर को, सो हार्ट में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो होगा, चाहे 10% हो चाहे 2% हो, लेकिन ब्लॉकेज जरूर होगा. सो शुगर की बीमारी इवन इफ इट इज कंट्रोल्ड होता है, और नहीं कंट्रोल है तो ज्यादा होगा. सो इसलिए कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओबेसिटी, वेट. अगर वेट आपका ज्यादा है, पेट आपका निकला है, मोटे हैं और वजन बहुत ज्यादा है, तो उतना ही वजन आप उठा के हर बार चल रहे हैं, उतना ही लोड आपके हार्ट पे है. सेम जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो खून को हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट धक्का मारना हार्ट के लिए एक मेहनत वाला काम है, वैसे ही आपका वजन ज्यादा उठाना, चाहे 5 किलो 10 किलो 20 किलो आपका वजन ज्यादा है, 5 किलो 10 किलो हर बार उठा के घूमना, आपके मसल्स, आपकी बॉडी, आपके हार्ट के ऊपर एक लोड है, वो वर्कलोड बढ़ाना हार्ट के लिए बीमार होने वाला बात है ऑन अ लॉन्ग टाइम. ये वो बीमारियां जो स्लोली डैमेज करती हैं आपके हार्ट को, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, किसी की 1 साल में. ये तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटापा. चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मोकिंग.
स्मोकिंग से आपकी बॉडी के अंदर इतने डैमेज होते हैं, हार्ट की नसें, खून की नसें कड़क हो जाती हैं, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और उसकी एडजस्टेबिलिटी, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, इलास्टिसिटी कम होती है, बहुत सारे क्लॉट बनने की आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्मोकिंग इज़ अ बिगेस्ट एनिमी। आप 5-10 साल स्मोक करते हैं, डायबिटीज़ भी है, शुगर भी बढ़ा है, वज़न भी बढ़ा है, बात ही ख़त्म, आपको हार्ट की बीमारी है ही है, होना ही है, ठीक है। सो स्मोकिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसके बाद आती है चौथे नंबर पे, और स्मोकिंग इंपॉर्टेंट है, बंद कर दीजिए उसको, राइट। ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन स्मोकिंग थोड़ी सी भी खराब है, ड्रिंकिंग माइनर अमाउंट में, बहुत माइनर अमाउंट में ओकेजनली चल जाएगी, लेकिन स्मोकिंग ना जी ना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको हार्ट की बीमारी होती ही होती है, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, चाहे उनकी हार्ट के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का क्या होता है कि एक नस बंद होते 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 जो सालों में बंद होती है, उसी के आसपास उसके पीछे से जो नसें होती हैं वो खुलने लग जाती हैं एक्सरसाइज की वजह से। एक्सरसाइज की वजह से नेचुरल बाईपास बनने लग जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इवन इफ आपकी नसें बंद हो रही हैं, तो आपका नेचुरल बाईपास बन जाएगा। सो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज नहीं, चलना फिरना, घर के काम करना, ऑफिस के काम करना, यहाँ वहाँ काम करना, वो एक्सरसाइज नहीं है। अलग से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज उसे कहते हैं जिसमें आप गाना ना गा पाए, जिसमें आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी, आपके जो आप जो क्षमता है उसको चैलेंज हो, चैलेंजिंग एक्सरसाइज आपको करनी होती है, जितनी भी आप कर सके, जितनी आपकी क्षमता उसके हिसाब से। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुए आपकी पांचवी बात, और छठी बड़ी बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस जी हाँ, बहुत बड़ा कारण है ये स्ट्रेस। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपका समुंदर की लहरें जैसा आपका ब्लड प्रेशर है, और वो लहर ऊपर रहेगी स्ट्रेस पे। जब आप स्ट्रेस में, मान लीजिए आपको कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई घपले है, कोई नुकसान हो गया, कोई आपका उधार है, किसी ने कोई डरा रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई मार रहा है, वट एवर इट इज, वो स्ट्रेस आपका ब्लड प्रेशर जो है सतह से ऊपर ही रखेगा। जब तक स्ट्रेस तब तक हाई ब्लड प्रेशर, और वो हाई ब्लड प्रेशर कुछ दिनों तक भी आपको डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को, आपके किडनीज को, आपके दिमाग को परमानेंट डैमेज करने के लिए भी कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का ब्लड प्रेशर हाई होना, स्ट्रेस, क्रोनिकली स्ट्रेस रहना अच्छी बात नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चाहे योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करो, आप कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है, राइट। गाने सुनो, इंजॉय करो फैमिली के साथ, लेकिन स्ट्रेस रिलीफ करो, स्ट्रेस में मत रहो, हैप्पी रहो, हाँ स्माइल करो, खुश रहो, हंसो, वो अच्छा है आपके ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट के लिए। नींद बहुत जरूरी है, अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, एक आध दिन चल जाएगा, बीच में हफ्ते में एक आध दिन, 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता ऐसे चला गया, लेकिन अगर मान लीजिए हफ्तों हफ्तों हो गए, महीनों महीनों हो गए, आप सो ही नहीं रहे, सो दैट इज सो रॉन्ग। उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होगी, आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस एडजस्टमेंट मेन्यूवर जो होते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, शुगर को मैनेज करना, सारा बॉडी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट गुड। नींद बहुत ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे हार्ट के लिए, साथ ही डाइट बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया वज़न कम करना है, तो वज़न में डाइट का इंपॉर्टेंस है, सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर वज़न कम करते हुए बहुत ही कम हो गया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो भी सही नहीं है, वो भी हार्ट को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आखिर में कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 पे नहीं है, नंबर लास्ट पे है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल दोस्त है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपके हार्ट के अंदर आपकी नसें, आपकी खून की नसें, हाथ की हो, पैर की हो, हार्ट की हो, सर की हो, कहीं भी हो, जब वहां पे डैमेज होता है, नसें क्रैक होती हैं, कोई नुकसान होता है अंदर से, तो कोलेस्ट्रॉल जाके उसे भरता है, उसे वो करता है, वो क्लॉग नहीं करता, क्लॉग होता है क्योंकि डैमेज ज्यादा हो रहा है, डैमेज ज्यादा हो रहा है। आप कहेंगे मेरे को चोट लगी है, उसको भरो मत, खून भरने दो, क्यों, क्योंकि स्कार हो रहा है, यहां पे जगह है, अंदर जगह नहीं है, अंदर डैमेज आप कर रहे हो, शुगर से, स्मोकिंग से, स्ट्रेस से, नहीं सो के, इस लाइफस्टाइल खराब से, गलत डाइट लेके, उल्टा सीधा खा के डैमेज आप कर रहे हो, और कोलेस्ट्रॉल को नुकसान। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल में रखते हैं, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है। बहुत हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल है तो मैनेज किया जाता है एक्सरसाइज डाइट पे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट योर एनिमी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि आपको ब्लड प्रेशर, आपका वेट, आपकी डाइट, आपका शुगर, आपका बीपी, आपको स्मोकिंग, आपकी अल्कोहल कंजम्पशन, आपका वजन, आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप, इन सब चीज़ों को आप अगर कंट्रोल में रखते हैं, आप हार्ट को अपने बचा के रख सकते हैं,
रिमेंबर दिस, राइट। सो अच्छी लाइफस्टाइल जीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, सबको बोलिए भाई साहब चलिए साथ में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते रहिए, खुश रहिए, स्मोकिंग बंद करिए और सबको ये वीडियो शेयर करिए। ऑलराइट, कल मिलते हैं आपसे एक बार फिर, मिलते रहिए, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। अगर कंसल्ट करना चाहते हैं हमें तो नीचे लिंक दिए हैं, डॉकवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लाइब्रेट, प्रैक्टो, तीन वेबसाइट्स हैं, तीन एप्लीकेशन हैं, डाउनलोड करिए, कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच, सी यू, गुड डे, गुड नाइट।